राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबकी दोस्त तनिका लेकर आ गई हूँ एक नई सीरीज जिसमें मैं आपको कुछ शहरों की स्पेशलिटी बताऊंगी और आपको पहचानना है कि वो किस शहर की स्पेशलिटी है। आज इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन के बाद उसके आंसर को डिस्कस करेंगे, तो फ्रेंड्स साथ के साथ लिखते जाइए और टैली करते जाइए अपने सारे जवाबों को। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस जगह को हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का दिल कहा जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर टाइम खत्म होता है। इसका जवाब है मध्य प्रदेश। भारत के बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए इसे भारत का दिल यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है और इसका आंसर है जयपुर। जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है क्योंकि एक बार यहाँ के राजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से पेंट कराया था, जो कि यहाँ की हॉस्पिटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, किस जगह को सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी कि सपनों का शहर कहा जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका आंसर है मुंबई। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। वे आते हैं यहाँ पर अपना नेम और फेम कमाने के लिए। मुंबई शहर को हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा शहर है जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर है लखनऊ। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर नवाबों का शासन था, जो कि आज भी यहाँ की तहजीब और रहन सहन में छलकता है। यहाँ पर संगीत, साहित्य, कविता, नाटक और भोजन जैसे कि काफी सारे कबाब हैं, जो कि नवाब हमारे लिए लखनऊ में छोड़कर गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया यानी कि हीरो का शहर किसे कहा जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है और हमारे आज के इस सवाल का आंसर है सूरत। सूरत दुनिया में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का 90% काम संभालता है और यह कपड़ा और हीरे के उद्योग में भी आगे है, इसलिए गुजरात के इस साफ शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया यानी कि हीरों का शहर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप कितना जानते थे अपने देश के बारे में और आपके कितने आंसर सही हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बताएं। और कैसी लग रही है मेरी ये वीडियो, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। राधे राधे फ्रेंड्स।